तथागत बुद्ध के समय में श्यामावती महारानी के एक दासी थी खुज्जुतरा। वो हमेशा दरबार से आठ काशापन, आठ सोने के अशर्फ लेके फूल लेने जाते थे और लेके आते थे। आधा पैसा जेब में रख के आधा पैसे के ही लेके आते थे, मतलब चार सोने के अशर्फी हमेशा जेब में डाल के चार सोने के अशर्फी का ही वो फूल खरीद के लेके जाते थे। एक दिन फूल खरीदने के लिए गया सुमन माली के वहाँ, देखा कि वहाँ संग दान हो रहा था। तथागत बुद्ध आए थे, भिक्षु संघ आए थे, तो सुमन माली ने बोला थोड़ी देर रुको, आप भी धम्म देशना सुन के जाओ। बैठे बैठे धम्म देशना सुनने के लिए बैठे थे, बुद्ध के उपदेश सुन के उसको ऐसा लगा, अरे तथागत बुद्ध ने मुझे पहचान लिया, अरे तथागत बुद्ध ने मुझे जान लिया, जो उपदेश दे रहे थे ये मुझे ही दे रहे थे, मुझे ही दे रहे, ऐसा लगा। और शांत से उपदेश सुनते 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 वही खुज्जुतरा को ज्ञान प्राप्त हो गया, श्रोता प्रतिफल प्राप्त हो गया। ये दुख मुक्त के चार तह होता है, चार लेवल। पहला श्रोतापति, दूसरा सकितागामी, तीसरा अनागामी और चौथा अर्हत। अगर इसको मार्ग और फल में विभाजित करते हैं तो आठ ज्ञान के तह, आठ दुख मुक्त के तह या लेवल रहता है। तो पहला श्रोता प्रतिफल पहुंचे, वो पहुंचने के बाद उसको अभी श्रोता प्रतिफल में पहुंचने के बाद बुद्ध धम्म संघ में कभी शंका उत्पन्न नहीं होता, कभी उसके विरुद्ध काम नहीं करता और शील को कभी नहीं बिगाड़ता। तो उस दिन खुज्जुतरा ने आठ सोने के अशर्फी खरीद, वो सोने के अशर्फी से फूल लेके गया, मगर बोले तो डबल आ गया। जब महारानी को दिया तो बोले अरे ये तो ज्यादा ही आ गया, आज क्या हो गया। तो उसने बोले कि पहले तुम्हें आधा ही लेके आते थे, मगर बुद्ध के उपदेश सुनने के बाद मुझे रियलाइज हुआ, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा करके ये पूरा सोने के अशर्फी से फूल खरीद के लाया। ये इतना बोलना आसान नहीं था महारानी, और ये एक बार नहीं, हर दिन चार चार सोने के अशर्फी चुरा के या जेब में रख के चार अशर्फी का ही फूल खरीद के लाना, बोले तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। अगर चाहे तो महारानी मृत्यु दंड भी दे सकते थे, अगर चाहे तो महारानी आजीवन जेल में भी डाल सकते थे, अगर चाहे तो महारानी देश से निकाला भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, मगर बिना डर के अपना जो गुनाह है, जो गलती है, महारानी के सामने रख दिया। तो महारानी को भी लगा अरे जो हमेशा आधा पैसा चुराने वाली, तो आज उसके मन में परिवर्तन हो गया, तो क्या ऐसे सुना होगा, कौन से ऐसे ज्ञान होगा। खुज्जुतरा चलो मुझे भी सुनाओ। खुज्जुतरा महारानी के दास, महारानी का आदेश आया तो तुरंत उसको सुनाना चाहिए था,
मगर उसने बोले कि मैंने बुद्ध के जो ज्ञान प्राप्त किया उसे सुनाने के लिए मुझे पहला दासी से मुक्त करना पड़ेगा, दूसरा मुझे अच्छे से नहला के अच्छे कपड़े पहनाना पड़ेगा, तीसरा अच्छे आसन लेना पड़ेगा, फिर जाके मैं सुनाता हूँ। धम्मदेशना, बुद्ध का उपदेश। एक तो चोरी करते हुए पकड़ गए, या उसने मैंने चोरी किया करके बोले, और उसमें भी बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए मुझे ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए करके बोल रही है। फिर भी महारानी को लगा कुछ तो विशेष होगा, चलो किया, ऐसा ही होगा। सारा करने के बाद अच्छे आसन जो अपने से ऊंचा है वो आसन में रख के बाद में बुद्ध के उपदेश सुने। बुद्ध का उपदेश जैसा सुना वैसा ही महारानी को सुनाया, और वो उपदेश सुन के महारानी लगाए उनके परिवारों ने भी ज्ञान प्राप्त किया, और हमेशा वही खुजुतरा भगवान बुद्ध के पास जाकर उपदेश सुन के आती थी, और महारानी लगाए दरबार में सुनाने आती थी। मतलब तम्मदेशना इतने गौरव के साथ सुनना चाहिए।